हाथी के नगला में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह सिंसिनवा ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव उर्फ गिल्ला मोरो जी से, पेड़ पर झलकार दे रहे हैं भाई देविया से मोरियारी लाल जी का पर संगति कर रहे हैं भाई घनश्याम पंडित जी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे बड़े भाई पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूथर से, आइए एक और धमाका। जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह से और आवली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, एक से एक बढ़िया दोहेंदर कलाकार आपके सामने आपकी बस्ती में है। और भैया कवि लिख रहा है, दो लाइनों में कैसे गौरव क्या बता दिया। हमारे गुरुदेव थे हरवान सिंह निडवारी वाले, जो दुनिया से विदा हो गए, उनकी चंद लाइनें कैसे भैया क्या लिखा। कि सदा नरेनो जगत में और सबसे राखो मेल हिल मिल काटो जिंदगी चार दिना को खे। आइए सर्वप्रथम भैया गौरव सरस्वती के चरणों में चलते हैं। पंडित जी, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उसे परमपिता जगदीश का नाम लिया जाता है, जिसने हमें संसार की जीवन रूपी नैया में भेजा है। और एक बार हमारे बड़े बूढ़े जयकारो जरूर दे दो, दोनों हाथों में खड़े करके बोल गिरिराज महाराज की। और भैया क्या लिखा गौरव। सर झुका दिया है मैया जी का ध्यान धर की कुछ मान करके कुछ जान करके ला 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 ला। जो सर झुका
डायरेक्ट प्रसंग की ओर ले चलता हूं। आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक समय बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर मुरली वाले के चरणों को दबा रही है सतभामा। चरण दबाते समय मुरली वाले सतभामा को देख करके हंस जाते हैं। सतभामा को बड़ा अचंभा हुआ, कहा प्रभु या तो मेरा भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। आप हंसे, हंसने का कारण अवश्य होगा। बंसी वाले ने कही देख ऐसी कोई बात ना, जब तू हंसवे को कारण पूछ रही है और जब पूछ ही रही है तो अपने दिल पर धैर्य रखना। मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छा ना लगे। कहा प्रभु बताइए तो सुनिए मेरा हंसने का कारण। अब से पहले गया त्रेता युग, त्रेता युग में तुमसे सुंदर तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता। सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई और कह रही कन्हैया सीता मोते ज्यादा पतवर था, मोते ज्यादा सुंदर कदापि नहीं हो सकता। और प्रभु अगर आप तीनों लोक के स्वामी हैं तो कन्हैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना, मैं देखना तो चाहती हूँ वो सीता थी कैसी। और बेटा क्रोध में आकर के और बंसी वाले से कठोर वचन कह जाती है। और क्या कह रही है भैया, सतभामन रे और बामन मोहनती ऐसे बचन रे और उचारो है और बहुत देर ते सीता को गुण गान कर बण भार का है ना नौ को गौरव मूल पकड़ के रोया बेटा
वाले ने कहा, ए सतभामा, जिसका मुझे डर था आपने वही बात कही, लेकिन लिखा कि जब से रथ दई श्रेष्ठ विधाता एक अटल सत बड़ा भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबूना दूजी भारी है के सूरत और श्रृंगार, सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो और बाबा फिर मुस्काए गयो बंसी। मुर्री वाले बात को कहकर के हंस गए, लेकिन सतभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। बेटा गौरव और दोहा में जवाब दे रहे पंडित जी, कैसे दे रही बेटा, क्या लिखा? रे सुंदर सुगड़ी सुहामिनी, रे सतभामा मेरो नामी, रे करो बड़ाई मेरे और रूप की यहाँ और कहा सीता को काम पिया मेरे कहा सीता को काम। हे छोरा, हे छोरा, भैया सुंदर सुगड़ी सुहामनी, ये सतभामा मेरो नाम, तेरे करो बड़ाई मेरे रूप की यहाँ कहती ता को काम पिया मेरे कहती ता को काम। ओ संत मिलन को चालिए, हे तज माया अभमान जो जो पग आ के धरे कोई कर रही है कि सीता के दर्शन कराओ, पर सुन आ जाता है गरुण और गरुण क्या कह रहा है, बेटा प्रभु या सीता है बेर बेर क्यों बहका रही, सुनिए। जब त्रेता युग में राम और रावण का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये गरुण आपके साथ मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखी है कि सीता कितनी सुंदर है, पर बाबा तय क्यों ना कह रहे कौन सी है कि लंका के अंदर आपके साथ हुआ क्या था? तो बंसी वाले को गर्लो बता रहे हो कैसे बेटी, क्या लिखा? कैसे भैया, अरे अरे सुन के और करुण वहां पे आयो और कानाते बचना